नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूपधनकर और आप देख रहे राउडी व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 9:10 और मैं उठा हूँ लेट बिकॉज मेरी लीव है। तो आज संडे है, थोड़ा थोड़ा बैठकर मैं लेग एक्सटेंशन एंड ऑल लेग्स का वर्कआउट करूंगा। और ये मेरी गंदी बच्ची देखिए क्या कर रही है। ये आनी का ब्रश है बेटा, ये आपके तो टीथ भी नहीं आया अभी है? तो चलता हूँ मैं जिम में ही, गर्मी बहुत है, निकलता हूँ फटाफट। ये लड़की मेरे मूंछ के पीछे पड़ी हुई है और बाल खींच लेती है। हाँ, आपने चोटी बनाई है? ओ, न्यू क्लोथ पहने? ओ, और अच्छा, मैं मेरा डैडी कहाँ है? डैडा अनाइशा? हाँ नहीं, मम्मा कहाँ है? बार। और भाई वहाँ अनाइशा कहाँ पे? क्या हुआ? हाय बोल दो इनको सबको, से हाय जोर से, जोर से। आनिक, मैं और आपकी मम्मा अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपने मुझे बोला है कि अगर कोई भी आए तो गेट नहीं खोलना, चाहे वो मेरा जानकार क्यों ना हो। तो आप क्या करोगे, कोई भी आएगा? मैं बोल दूंगा कि मेरे कोई भी, मेरे घर पे पेरेंट्स भी नहीं है, आप मेरी दादी से बात करो, ऊपर वाले फ्लैट पे यहाँ नीचे तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। ठीक है, और आप गेट नहीं खोलूंगा? नहीं खोलूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरे दादू दादी भी हो। नहीं, दादू दादी हो तो खोल देना, उसके अलावा कोई जानकार भी हो, मामू भी, मतलब फैमिली के अलावा, फैमिली के अलावा चाचू मामू इनके अलावा कोई भी हो। क्या नहीं खोलना? तो नहीं खोलना, मैं बोल दूंगा। जब आप काम करने में निकम्मे हो, हर काम आपका आपकी माँ या वाइफ करती हो, तो आप सब कुछ भूलते हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। अभी मुझे पर्स ही नहीं मिल रहा, कहाँ है? मुझे वॉच नहीं मिल रही, कहाँ है? मैडम गई थी अनाइशा को ऊपर छोड़ने, हम जा रहे हैं मार्केट में। और आपको पता ही है, जब मार्केट में जाते हैं तो मेरी बीवी जी मेरा खर्च करवाती हैं सारे पैसे। वैसे ही सैलरी इतनी कम है और मैम ले आती है मुझे घर का खर्च करवाने के लिए। तो मैम प्लीज पर्स, मतलब करते नहीं हो लेकिन बिखेरते भी हो पर्स है ना। दुनिया का कोई भी इंसान वाइफ की सुने बिना, चाहे वो बराक ओबामा ही क्यों ना हो, नहीं रह सकता। तो रोज ना रोज एक दो झाड़ तो पड़ती ही। पर्स मांग रहा हूँ घर पे और रखा है वो मेरी कार में। अभी न्यूज देख रहा मैं तो 90,000 के ऊपर कल कोरोना वायरस के केसेस आए हैं पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि सरकार जो भी चीजें खोल रही है वो अपने फायदे के लिए, वो हमारे फायदे के लिए भी खोल रही है, लेकिन वो चाहती है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने और ध्यान रखें, वहीं हम चूक रहे हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ हर समय मास्क लगाने की। अभी आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए जैसे ही बात ख़त्म होगी मैं मास्क लगाऊंगा। और आपसे भी चाहूँगा कि आप भी अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। देखिए, एक बात हमेशा सिखाई गई है मुझे, आपा साफ तो सब साफ। अपना ख्याल रखो, देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आ गई मैम, आप पर्स मेरा गाड़ी में था, ये रखा। जब से सारी पेमेंट मोड ऑनलाइन हो गई है ना, तब से कैश मतलब पर्स रखना ही भूल जाता हूँ। मैं कहीं भी रख के छोड़ देता हूँ, पैसे तो उसमें होते नहीं। पैसे तो होते नहीं तो कहीं भी भूल जाता हूँ। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तो है ना, लाइसेंस RC एंड ऑल सारी चीज़ें पर्स में होती है। तो चले मैम। मैम गई है अभी लेने मास्क मेडिकल स्टोर पर, हैंकी बांध के। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मास्क नहीं है तो आप रुमाल का यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। बैंक मेरे घर से है 1.5 and 2 के अप्रोक्स किलोमीटर के, और मेरे को लगे हैं 42 मिनट्स बैंक आने में, 42 मिनट्स लगे मुझे। तो बैंक का काम तो हुआ नहीं पूरा, बोला है कल के लिए। सो अभी मैम ने बोला है कि मुझे ले चलो जल्दी से जल्दी घर का सामान लेने के लिए रिलायंस फ्रेश, और बच्चों के लिए कुछ फ्रूट लेने हैं और घर का कुछ सामान। जिंदगी हमारी इसी में बीत जाएगी मेरी जान। अरे एक दिन निकालना इतनी मुश्किल से, हाँ निकलवाया है जबरदस्ती कि एक दिन निकाल दो यार फ्री, थोड़ा सा काम हो जाएगा तो तब जाके आपने अपना कीमती वक्त दिया है।
और जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक तो गर्मी और दूसरा जाम। जाम इतना है कि आपको अभी दिखाता हूँ, जाम ही जाम बेशुमार। और यहाँ पे जो लड़का है यहाँ से मैं फ्रूट लेता हूँ। ऐड कर दो, सबका ऐड कर दो। अभी आप वीडियो में बोला कि स्पॉन्सरशिप मिली है मुझे इन सबसे। हाँ जी भाई साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं जी काम कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी है आपकी? ड्यूटी निकल रही है मैं रुक रहा हूँ। ये सोनू भाई है अपना, और इसका रिश्ता करवाओ जल्दी, इसका रिश्ता करवाओ। इसने मेरे पे एलिगेशन लगाया कि वीडियो में देख लिया और मेरा रिश्ता नहीं होता। तो भाई तेरे रिश्ते की बात कर दी मैंने आज पब्लिक से। ये सोनू कहाँ से आयो? पुलिस कॉलोनी। नाम बता, गाँव का नाम? पुलिस कॉलोनी में आना पड़ेगा, पुलिस कॉलोनी सेक्टर 5 नरेला। यहाँ पे एक बार आके मिले इनसे, और लड़का आपको पसंद आए, बहुत मेहनती है। देखो आगे इतनी मेहनत कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, देखो किसके ऊपर खड़ा हूं। हाँ बहुत मेहनती लड़का है, रात को 10 बजे तक यही रहता है, 11-11 तक, और बंद होने के बाद भी इतने लगन है इसमें, बाहर बैठ जाता है। एक ओवर टाइम नहीं लेता इस बात का ये? और मेरी वाइफ से मेरी चुगली कर रहा है अभी, तो ये बहुत गलत बात है भाई। करवा दी तेरी बात तो, कह दी मैंने शादी की। देख तू मेरे से ब्याह ही क्या है ना, ब्याह करवा दो तो देख, उठाना पड़े सामान भी आते बाद में। तू यो ले रहा है चेक करने की, पेट भी तक कर लिया जाली जाली ने, पेट भी तक कर लिया भाई, देखो भी नहीं पेट भी तक कर लिया मैनेजर साहब ने। बॉडी बनाओ बॉडी। अनायशा मैं हूँ, आज ले फेंकू लेगा, पहले हंस के दिखा, नहीं हंसेगा। शैतान बच्चा फोन करवा रहा और रो रहा था। कोई कह सकता है? हाँ मम्मा ने लगाया हुआ मास्क, कोई कह सकता है ये रोता भी है? ये पूरा घर उठा लेता, ऊपर कर लो बस। मम्मा ने भी लगा लिया, डैडा ने भी लगा लिया, मम्मा ने भी लगा लिया। आप सबको बोल दे, आप भी लगाओ, बोलो मास्क लगाओ। क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं डैडी। क्या कर रहे हो? हम खाना खा रहे हैं। हम सारे साथ मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। खाएंगे? अच्छा खाएंगे। क्या बनाया अभी डैडी? हम खाने वाले हैं। खाने वाले के देवी जी, क्या बनाया हमारे लिए आपने? पनीर और रोटी। इसे कौन सा पनीर बोलते हैं? पनीर की बहुत सारी तरह की होती है, शाही पनीर। अनायशा आप भी खा रहे हो? मैं खा लूं आपको खाना? नहीं मैं खा लूं। ओके डैडी।